डायरेक्टली तो हमको नजर आएंगे बंगले के डायरेक्ट स्लैमिंग कर दिया जा चुका है। देखते हैं क्या फिनिशर पे सिक्योर होगा, क्या होने वाला है। जीगो और इस टाइम पे रेड पिन करते नजर आएंगे, लेकिन ओमेगा जिस चीज की मैंने बात की थी ट्रायआउट को भी नॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ओमेगा भी स्पॉट हो जाएंगे, स्प्रे उनके ऊपर भी जाएगा। मुश्किलें दोनों तरफ से एक के ऊपर एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात रही कि डिसीजन वहां पे बेहतर लिया गया था कि दो खिलाड़ी आ गए हमारे सामने तो क्यों ना यहाँ से जंप कर दिया जाए, बट उसके बाद जो जंप किए तो ट्राई आउट अपने आप के सामने अपने आप को पाते हैं। न्यू की बात करें कोई मौका नहीं देंगे, अपोनेंट को डाउन किया गया यहाँ पे ओमेगा कप्तान, यहाँ पे बात करें अपने घुटनों पे आ चुके हैं। पीछे से बात की जाए तो यहाँ पे बैकअप हेक्टर का आएगा, लेकिन अब जो खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे टीम सोल के लिए बढ़ा सकते हैं। ग्रेनेड का यहाँ पे नॉक किया गया, हेक्टर उनके सामने रहेंगे, लेकिन जो टाइम की बात की जाए वो टाइम बाय करना चाह रहे हैं रिवाइवल, मुझे लगता नहीं यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। ग्रेनेड एक और पेन आउट यहाँ पे किया गया, ये हेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज भी शायद दे दे, बट चलिए पहला ग्रेनेड उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पता है कि अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अक्षत की तरफ से वो कवर फायर में आता हुआ देखने को मिलेगा, बट न्यू की तरफ से ये ग्रेनेड हेक्टर को फिलहाल यहाँ पे डाउन कर देंगे। इकलौता खिलाड़ी अक्षत पीछे यहाँ पे बात करें जो रुके हुए थे, अब उनके तरफ एक 1v3 सिचुएशन कभी भी जा सकता है। गॉडलाइक पूरा ऑल इन इस फाइट के अंदर अपना जाते हुए देखने को मिल रही है। ट्रायआउट ने जान जरूर गवाया क्योंकि उस टाइम पे कवर देने के लिए कोई नहीं आ पाया था वहां पे, लेकिन टीम सोल भी उसी मुश्किल में जाते हैं उनको देखने को मिल रहा है क्योंकि एक्टर को भी अब कवर नहीं मिलेगा, अक्षर बचेंगे सोलो क्लच मास्टर के नाम से जाने जरूर जाते हैं। क्या गॉडलाइक को इस टाइम पे क्लच कर पाएंगे क्योंकि तीनों प्लेयर्स अलग अलग एंगल से आते देखने मिल रहा है। जोनाथन पीछे अपने यहाँ पे कह सकते हैं हिल टॉप हाउस के ऊपर अपने रुकते हुए हमको देखने को मिलेंगे। नियो ऑलरेडी वॉच टावर की साइड से रोटेट करते देखने को मिल रहा है, एंड अक्षर को आई थिंक इस चीज का पता नहीं है, एंड बिना पता हुए इनके ऊपर अगर स्प्रेज आ गए तो डायरेक्ट फिनिश ऑफ इनको कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से वही झटका इनको लगने वाला है, नियो का स्प्रे कभी भी किसी पर आ सकता है। जी हाँ, नियो उस टाइम पे पहुंचते नजर आ रहा है, लेकिन नियो यहां मत रुके, थोड़ा सा रेलिंग तक पहुंच जाइए, बस प्लेयर आपके सामने ही था, लेकिन अक्षत सही टाइम पे सही मूव घर के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन ज़ीगोर्ड आ जाएंगे स्लैमिंग करने के लिए डायरेक्ट अपनी बग्गी लेके, थोड़ी स्लैमिंग नहीं कर रहे तो इसी बग्गी पे घुमा रहे हैं, उनके सामने दोनों प्लेयर्स घुमा रहे हैं। अक्षत ये क्या, हमें कुछ शॉट्स लैंड जरूर किया है, ज़ीगोर्ड की एचपी बहुत कम कर दी जा चुकी है, क्या क्लच मास्टर फिर से क्लच करके साबित कर पाएंगे। एक प्रीनेड फायदा इस प्रीनेड का बहुत ज्यादा हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे जो बारी आ चुकी है ग्रेनेड का, जो कहानी यहाँ पे लिखना चाह रहे थे वो तो लिख बैठे कि थ्रो करेंगे ग्रेनेड जैसा आपने बताया वो ट्राई किया जा रहा, बट कनेक्शन ही शॉट्स कहां से आ रहे हैं थोड़ा समझना मुश्किल है। ग्रेनेड करना कहीं और चाह रहे थे, हो कहीं और गया, बट जो भी रिजल्ट चाह रहे थे चलिए उसका बचने में यहाँ पे कामयाबी। बट अक्षत की बात करें ड्रॉप शॉट काफी कमाल का, ज़ीगोर्ड को नॉक करने में कामयाबी प्राप्त होगी, अक्षत को हेल्थ रिकवर करना चाह रहे, टाइम बात की जाए तो चाहते लेकिन अपोनेंट टाइम नहीं देंगे, अगेन ड्रॉप शॉट जाएगा, करेक्शन कुछ खासा नहीं, लेकिन पीछे हट गए वहां पे, लेकिन घूम के पीछे से घूम के जोनाथन आए थे टीम सोल को इस मैच से 15वें स्थान पे एलिमिनेट करेंगे। जोनाथन की तरफ से आखिरी फिनिश पॉइंट निकाला गया अक्षत का।